चैनल। तो आज क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस बनाकर फ्री हुई थी तो मैंने अपने फ्रेंड से कुछ मैसेजेस देखे थे जिसमें काफ़ी सब ने एक ही क्वेश्चन किया था कि जो एक्नी है या जो दानों में पस भर जाती है इसका कोई सलूशन अगर मिल जाए। और आप सोच रहे होंगे वो मेरे से ही सब कुछ पूछ रही है क्योंकि मेरे तो ऐसा मुझे तो नहीं पता होता। तो मेरी मामा क्योंकि स्किन एक्सपर्ट हैं तो इसलिए सब उनसे यू नो रेमेडीज वगैरह लेना, और आपको भी इस तरह रेमेडीज वो देती रहती हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो ही इस पर बना लूँ और फिर उनको मैं फर्दर शेयर कर दूँगी। तो मैं मामा को मैंने कहा कि मामा जो पस वाले दाने हैं इसका कुछ सोल्यूशन है तो दे दें। तो पहले तो मामा ने कहा कि ऐसे आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी इनकी, क्योंकि एज यू कैन सी मेरी स्किन नीट एंड क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि मेरी मामा स्किन एक्सपर्ट है। तो मैंने उनसे ये रेमेडी ली और मैंने कहा कि चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि इस एज में क्योंकि जो गर्ल्स कॉलेज गोइंग है यूनिवर्सिटी गोइंग है उनके बहुत ज़्यादा एक्नी या यहाँ पे पूरा फेस मैंने अक्सर लड़कियों पर देखा है इतने मोटे दानों से भरा हुआ होता है, और अक्सर क्योंकि कहीं बैठे बैठे वो ज़रा सा उसको रब कर लें तो उनके ब्लड भर आता है उसके अंदर। तो इसकी वजह से रेमेडी आसान सी थी जो मुझे मामा ने बताई, तो मैं इसका मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इसकी वजह से दो रेमेडीज़ हैं और एक रेमेडी के दो तरीके भी हैं। सबसे पहले आपने नीम के फ्रेश पत्ते लेने हैं, ठीक है, और नीम के फ्रेश पत्तों को आपने पीस लेना है, लाइक आपके पास कोई चटपटा वगैरह एक्सेट्रा चीज़ों उसके अंदर आप नीम के पत्तों को पीस लें। 1 टेबलस्पून आपने नीम के पत्ते लेने हैं एंड 1 टीस्पून आपने उसके अंदर वाटर ऐड करना है और उसको आपने लिक्विड सा बना लेना है उसका, और उसके बाद आपने उसको लेप सी बनाकर अपने दानों पर या जहाँ पे भी आपके फेस वगैरह पे कहीं पे भी ऐसे पस वाले दाने निकले हुए हैं तो आप उसके ऊपर लगा के 10 से 15 मिनट के लिए मैक्सिमम आप उसको छोड़ दें, और उसके बाद आप उसको रिमूव कर लीजिएगा तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपने लाइक 4 से 5 टाइम्स आपने इसको करना है डेज में, और आप इसको छोड़ दीजिएगा 10 से। अच्छा, तो इसका दूसरा वे ये है कि आप अगर इसको लीव करके नहीं छोड़ना चाहते, फॉर एग्जांपल अक्सर लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका सेकंड वे ये है कि आप करें 2 टेबलस्पून लीव्स लें उसको ना इतनी सी बॉटल में डाल के, तो आप उसमें 4 से 5 टेबलस्पून वाटर ऐड करके उसको छोड़ दें। बॉटल आपके पास स्प्रे वाली होनी चाहिए, आप उसको देन अपने फेस पे स्प्रे कर लें जिससे आपको इचिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, जहाँ जहाँ आपकी एक्नी है या पस वाले दाने निकले हुए हैं आप उसको स्प्रे कर लें, तो वो भी आपके लिए लाइक बेनिफिट है, इजी रहेगा आपको। लाइक अक्सर लोगों को मसला शुरू हो जाता है तो वो उसको छोड़ दें और ये वाला भी दे दें। ये थी वो फर्स्ट रेमेडी नीम के पत्तों के लिए। अगर आपको नीम के पत्ते ईजिली अवेलेबल नहीं होते तो आप तुलसी के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह नीम के पत्तों का आपको मैंने बताया तरीका, इस तरह आप तुलसी के पत्ते यूज़ कर लें, वही 1 से 2 टेबल स्पून पत्ते ले लें, उसके बाद उसमें 1 से 2